करती हूँ आप सभी का मेरे आज के न्यू ब्लॉग में। तो चलिए कुछ बात करते हुए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। अभी मैं निकल रही हूँ और काफ़ी लेट हो गया है क्योंकि आंटी जी ने शादियों में कीर्तन के टाइम पे जब ढोलक वगैरह बजता है और सारे लोग लेडीज़ जो भी होती है महिला है और महिला मंडल की जितनी भी लड़कियाँ और औरतें जो भी होती है तो सारे लोग इंजॉय करते हैं, डांस करते हैं और गाते हैं। हाँ चलो शादी अटेंड कर लेते हैं, चलिए मेरे साथ। तो सीधे अब मैं कीर्तन में ही मिलूँगी। आप लोगों को तो पता है मैंने काफ़ी टाइम से ब्लॉग वगैरह नहीं बनाए और ना ही डाले क्योंकि ब्लॉग तो थे पर एडिट वगैरह नहीं कर पाई, लेकिन अब मैं एडिट करके आप लोगों के सामने ब्लॉग लेके आऊँगी और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग बहुत पसंद आएगा। तो देखते हैं क्या क्या होता है, तो आप लोग भी मेरे साथ इंजॉय कीजिए पूरी शादी को। ऐसे बनाते अब वो रुई कहाँ पे लगाना फिर बनाएंगे ना, ये बन रही है। अच्छा गांव में नहीं होता ना, मैंने यहाँ की शादी नहीं करी अटेंड अभी। अच्छा हमारे गांव में भी करते हैं बेटा ऐसे। हाँ ये तो सभी जगह मतलब कीर्तन होने लगे ना, उसमें भी करते हैं कीर्तन वगैरह तो हो रहे हैं आजकल ना। वैसे बत्ती शिका बनाना है इसका, रुई का अच्छा रहता गोल बन जाएगा। इसका लंबा बनाना पड़ेगा, लंबा वो टपक जाता है तेल ना घी। हाँ। गोल बना के ऐसे बीच में ही जलता रहेगा। ये आटा ले जाऊं मैं? हाँ बढ़ी।
यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे तरह तरह का पकवान बना हुआ है और सभी लोग खाने को एंजॉय कर रहे हैं और लगभग लोग खाना स्टार्ट कर चुके हैं। तो आप देख सकते हैं ताज़ा ताज़ा गरम गरम खाना और कितने सुंदर तरीके से डेकोर किया हुआ है खाने को। और आगे आप लोग देख सकते हैं कि काफ़ी सारे लोग हैं शादी में आए हुए। तो आप लोग देखिए सभी लोग खाना खा ही रहे हैं और मैंने तो अभी खाया नहीं, मैं थोड़ी देर में खाऊंगी। और यहाँ पे देखिए काफ़ी भीड़ है और ये देखिए रोहित भैया को रोहित भैया भी लाइन में लगे हुए हैं और सभी लोग अपने अपनी पसंद की चीज़ें यहाँ पे ले रहे हैं, जिसको जो पसंद वो खाएगा। और यहाँ पे रोहित भैया लोग, और ये देखिए ये मेरे को शादी में मिले यहाँ पे, क्योंकि ये भी शादी में आई हुई थी, मैं इनको जानती नहीं थी, लेकिन ये इन्होंने कहा कि मैं आपके ब्लॉग देखती हूँ तो इस वजह से। और आप देख सकते हैं खाने के वहाँ पर कितनी भीड़ है। तो ये भी हमारी साइड की हैं, चमोली साइड की। ये देखिए थाली पकड़ी हुई है हाथ पे
डांस वगैरह किया और अभी डीजे बंद हो गया क्योंकि शहरों में यहाँ पे ऐसा होता है कि 10 बजे के बाद कोई भी डीजे नहीं चला सकता, सॉन्ग वगैरह नहीं बना सकता तो बजा सकता सॉन्ग। तो देखो जिन लोगों ने अभी खाना खाना है वो लोग तो खाए रहे नीचे, और जिनका खाना हो गया कई लोग अपने घर चले गए, और बाकी अभी मेहंदी की तैयारी होगी थोड़ी देर में। क्या लेके आ रहे? 12 बज रहे और अभी मेहंदी की तैयारी अभी हो रही है, तब से सारे लोग बैठे हुए थे। ये बंद कर दो ना, अभी तक आ रहे हैं और अभी टाइम काफ़ी हो गया, 12 बज चुके हैं। क्या कोई बात नहीं है, शगुन लगा, शगुन अब तो लगानी पड़ेगी।